हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्यों दुनिया की आधी पॉपुलेशन डैंड्रफ का शिकार है, आइए इसकी वजह जानते हैं। डैंड्रफ बज़ाहिर तो हार्मलेस होती है, लेकिन हेड स्क्रैचिंग जैसे ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग कंडीशन पैदा करती है और हेयर फॉलिंग का बाइस बन सकती है। वैसे तो डैंड्रफ की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे ऑयली स्किन, अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम, बैक्टीरियल ग्रोथ, एलर्जीज फ्रॉम द हेयर केयर प्रोडक्ट, एंड इट माइट बी ड्यू टू इफ यू आर नॉट शैम्पूइंग इनफ। लेकिन ज़्यादातर ये खास किस्म की फंगस से होती है जो कि हमारी स्काल्प पर पाई जाती है, जिसे मेलेसीज या ग्लोबोसा कहते हैं। ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि न्यूबॉर्न बेबीज में भी पाई जाती है। मेलेसीजिया नॉर्मली सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पाई जाती है। मेलेसीजिया का फेवरेट रूम हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहां हमारे बाल ग्रो होते हैं। हेयर फॉलिकल्स के साथ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि ऑयल डिस्चार्ज करते हैं, जिसे सीबम कहते हैं। ये ग्लैंड दिन में 1 to 2 ग्राम सीबम प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज करना है और बालों में मजबूती पैदा करना है। ये सीबम इस फंगस की खुराक है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये मेलेसीजिया सब में पाई जाती है तो फिर 10 में से 5 लोग ही डैंड्रफ का शिकार होते हैं। चले इसका जवाब समझते हैं। मेलेसीजिया सीबम के ट्राइग्लिसराइड्स को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड को कंज्यूम कर लेती है। मेलेसीजिया की खुराक यही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। रह जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इम्बैलेंसमेंट की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वापस स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मेलेसीजिया इज नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं टू दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। जिसके नतीजे में स्किन बैरियर्स ओपन हो जाते हैं और वाटर एस्केप होता है स्किन से और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने से स्काल्प में सूजिश पैदा होती है, जो कि रेडनेस, इचिंग और बैड ओडोर का बाइस बनती है। इसके अलावा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स पर पड़ता है, जिससे हेयर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी में कमी होती है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग का सामना करना पड़ता है। हमारी स्किन की आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। हमारी बॉडी की ये लेयर अराउंड 3 वीक्स में रिपेयर होती है। सेल जनरेट होते हैं और डिवाइड होते हैं, एंड दिस शेडिंग ऑफ अ डेड सेल इज अ नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जब बात होती है डैंड्रफ की, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है डैमेज बैरियर्स को रिपेयर करने के लिए और सेल जनरेशन और सेल डिवीजन का अमल तेज हो जाता है। इसके नतीजे में ऑयल और स्किन सेल के फ्लेक्स हमारे हेयर फॉलिकल्स के गिर्द ग्रीसी क्लम्स की सूरत में नजर आने लगते हैं। इसे डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ से छुटकारा पाने का आसान हल अच्छे शैम्पू का इंतखाब है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह यह भी हो सकती है कि आप सही क्वांटिटी में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते, या आपका शैम्पू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो स्किन के ऑयल बैरियर्स को तोड़ सके, जो डैंड्रफ का बाइस बन रहा है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखें कि इसमें इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल हों, जैसे कीटोकोनाजॉल। ये एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है, ये फंगस की ग्रोथ को रोकता है। जिंक पेरिथायोन, ये भी एंटी फंगल है और ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। सल्फर और सैलिसिलिक एसिड, स्केली स्किन सेल को रिमूव करता है और इसको मजीद बढ़ने से रोकता है। सेलिनियम सल्फाइड, ये सीवियर फ्लेकिंग कंडीशन में यूज होता है। इसके अलावा कोल टार भी एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट है। मशहूर जमाना हेड एंड शोल्डर शैम्पू में भी जिंक पेरिथायोन एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू की टेक्निकल अप्रोचेस, मेलेसीजिया को इनहिबिट करना है, एक्सेसिव सीबम को रिड्यूस करना होता है और स्किन सेल की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करना होता है। इसके अलावा होम रेमेडीज भी डैंड्रफ पर काबू पाने में मुअसर किरदार अदा करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।